वेळेस दोन्ही ही संघांना माझी विनंती आहे की आपण सामन्याला सुरुवात करावी. मैदानामध्ये बदल होतोय, पुन्हा एकदा आपण मायक्रोफोन वरती सुद्धा बदल करणार आहोत. आणि सन्माननीय मुनव्वर हाफिज, एक स्पॉन्सर, एक चांगली व्यक्ती आणि क्रिकेटचा कीडा, क्रिकेटचा रसिक, क्रिकेटचा निस्सीम भक्त आपण पाहतोय या मैदानावरती आलेला आहे. त्यांचं सहर्ष सहर्ष स्वागत. दोन सलामीचे फलंदाज, चला कोणत्याही प्रकारचा वेळ दौडायचा नाहीये. आणि आता मात्र मी मायक्रोफोन वरती जबाबदारी देतोय ती माझे साथी समालोचक इमाद यांच्याकडे. धन्यवाद. हॅलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम फिर से एक बार सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, उपस्थित मान्यवरों का, और लाइव पर जिस तरीके से दर्शक जुड़े हुए हैं उन दर्शकों का भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ. मनापासून आपला हार्दिक स्वागत है. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. ले चलता हूँ इस ग्राउंड पर जिस तरीके से सेमीफाइनल नंबर वन बीच मैदान के अंदर रंगती हुई नजर आ रही है. एक तरफ निजामपुर, दूसरी तरफ आप देख सकते हो मानगांव की टीम, जो कि मुनव्वर मौलाना जिस तरीके से कहते हैं, चलो कल भी उनके साथ में जुड़ा हुआ था. मौलाना साहब किधर दिख नहीं रहे. मानगांव टीम के जिस तरीके से पैकर की भूमिका निभाते हैं आप देख सकते हो. मानगांव की टीम की तरफ से ओपनर सलामती जोड़ी क्रीज पर गुजरती हुई, एक तरफ शुभम जाधव, दूसरी तरफ आप देख सकते हो जिस तरीके से आदिल गजगे. देखिए मंगू दादा यांच्याकडून फलंदाजाला एक सुवर्ण संधी आहे, एक मौका है सिर्फ शुभम जाधव के लिए है. इस टूर्नामेंट के पहले इनिंग में अगर शुभम जाधव अपने बल्लेबाजी से अर्धशतक पूरा करते हैं, बॉलर नेम, गेंदबाज का नाम बताइए. जुनेद जाफर, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम रोहन के लिए था. गेंदबाजी के लिए सूरज आ चुके हैं. एक रफ्तार का राजा जिस तरीके से एक यंगस्टर गेंदबाजी पर है, लाजवाब. जिस तरीके से निजामपुर का ये खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आ रहा है और रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन दिखाया था, आज उसे मौका मिला है फिर से एक बार स्ट्रीम के अंदर. पहली ओवर लेकर आए हैं, पहली ओवर की पहली गेंद सेमीफाइनल नंबर वन बीच मैदान के अंदर नजर आता बा. ओ इस भी देखिए जिस तरीके से स्टेप आउट होकर हल्के अंदाज में जिस तरीके से स्क्वायर कट किया, देख सकते हैं थर्ड मैन के क्षेत्र में यह स्ट्रोक खेला, दो रन आसानी के साथ, और इन्हीं दो रनों के साथ दो गेंदे दो रन हो चुके हैं. एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ी मैच, एक बड़ी टूर्नामेंट, और जिस तरीके से आयोजन है आज का आखिरी दिन, और आज के दिन ही पता चलेगा इस टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट, इस टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट कौन होगी. ये पहला सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ नजर आ रहा है. इसी बीच फिर से एक बार लंबा रनअप ढूंढना शुरू किया ये गेंद. ओ इस बार देखिए ये शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, अतिरिक्त उछाल तक गेंद में, जिसकी वजह से अंपायर का इशारा कि वार्निंग मिल चुकी है गेंदबाज के लिए. वन बॉम्ब्स, टीम का स्कोर हो चुका है 3 रन. शुभम जाधव स्ट्राइक पर है. ये शुभम वो ज्यादा हुआ जिस तरीके से पहले दिन में इन्होंने अर्धशतक जड़ा था इसी ग्राउंड पर, इसीलिए तो उनके लिए इनाम लगाया है, दिखना होगा. ओहो इस बार देखिए हल्के हाथों से कवर के क्षेत्र में स्टीयर किया जिस तरीके से कहते चलो. ये 1 रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 4 रन. ¿Qué pasa, malo?
इसी बीच देखिए ये गेंद वाइड गेंद है और वाइड की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन। जिस तरीके से रैपिडो इवेंट्स मोरबा की आयोजित की हुई टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का मकसद था तौसीफ का, जिस तरीके से मास्टरमाइंड इस अंदाज, जिस तरीके से इस इंसान ने कोशिश की थी कि सभी को एक जगह पर फिर से एक बार जमा करना। और इस बार देखिए आदिल के बल्ले से निकलता हुआ, आदिल ऑन फायर, गेंद जाती हुई सीमा पार, गगनचुंबी शटकार। थैंक यू डीजे। टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन के साथ डबल फिगर में 11 रन, 11 ही अनलकी नंबर होता है। और इस बीच देखिए लेट कट खेलना चाहते थे, स्क्वायर कट देख सकते हो, लेकिन ये गेंद काफी हद तक नबीतुली वाली गेंदबाजी थी निजामपुर की तरफ से। ये जो गेंदबाज है पहली ओवर लेकर आया है गेंदबाज सूरज, इसे पता है कि एक गेंद आना बाकी है, बिल्कुल 5 गेंदें हो चुकी है, एक गेंद आना बाकी है। मेन अंपायरिंग पर आप देख सकते हो अंपायर तनवीर, और जो कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के लिए अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। ओ इस भी देखिए लाजवाब घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद जाती हुई सीमा पार, सूरज के ऊपर हुआ है अत्याचार, गेंद फरार 6 रनों के लिए षटकार, माफ करना 4 रन। अली इलेवन और मसला इलेवन दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश करता हूं टॉस के लिए आ जाइए, सेकंड सेमीफाइनल होगा। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के देखिए बड़ी मैच है और बड़े मैच के लिए जिस तरीके से अब कैमरामैन के रूप में काम करेंगे कोस्तोप, ओहो अब खेल में मजा आएगा। दूसरी ओवर लेकर आए गेंदबाज सादिक, इस बीच फिर से एक बार देख सकते हो सादिक गेंदबाजी पर है शुभम यादव, और जिस तरीके से आदिल ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में स्ट्रोक लगाया था 4 रन मिल चुके थे। इस बीच अराउंड द विकेट पहली गेंद, ओहो अच्छा स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, चौकार। थैंक यू डीजे। देखिए शुभम यादव ने जो स्ट्रोक लगाया था बैकफुट पर जाकर कवर और पॉइंट के ऊपर से इनफील्ड के ऊपर से स्ट्रोक को खेला 4 रनों के लिए, गेंद 4 रन के साथ ट्रैवल होने के बाद दूसरी ओवर के पहली गेंद पर टीम का स्कोर हो चुका है चौके की मदद से 19 रन हो चुके हैं। और जिस तरीके से अब फिर से एक बार सादिक गेंदबाजी पर है शुभम यादव गेंद स्ट्राइक पर, देखना होगा इस मुकाबले के। और इस बार देखिए हल्का सा एज जरूर लगा था लेकिन भाग्यशाली रहे बैट्समैन शुभम यादव, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, देखना होगा क्या मौलाना मुनव्वर का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि पैकर की भूमिका निभाते हैं अयान। 11 मानगांव की टीम की तरफ से देखा जाए तो मौलाना मुनव्वर क्या बात है। इसी बीच फिर से एक बार वाइड गेंद, देखिए ये जो दर्शक मैच का मजा ले रहे सेमीफाइनल वाला मैच है तो उसी पर मैं कहते चलूं, कोई कहता है क्रिकेट नशा है तो कोई कहता है क्रिकेट सजा है, लेकिन मोरबा में आए हुए दर्शकों से कहो वो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है, क्योंकि जिस अंदाज से दर्शक आए हैं अब क्रिकेट की भूख इन पर सवार है। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में ट्रीट किया गेंद को, जिस तरीके से 1 रन मिल चुका है
और इसी एक रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 21-21 रन। याहिया मुश्ताक गंगरेकर हैट्रिक सिक्सर हैट्रिक चौकार 5000 रुपए का इनाम, क्या बात है। देखिए देखिए माफ करना मिसअंडरस्टैंडिंग, हैट्रिक देखिए हैट्रिक विकेट पर है इनाम, लगातार 3 विकेट हासिल करने पर गेंदबाज के लिए 5000 रुपए का इनाम है। और टीम का स्कोर बता दे जाऊंगा, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 3 ओवरों का मैच है, पहला सेमीफाइनल 32-32 रन, माफ करना 22 स्कोर हो चुका है। और जिस तरीके से सादिक गेंदबाजी पर है, शुभम यादव अभी भी राइट हैंड बल्लेबाज, अच्छा बल्लेबाज, जिस लय के लिए माना जाता है, जिस बड़े स्ट्रोक के लिए माना जाता है, क्या उस तरीके की खूबसूरती नजर आएगी इस बार। देखिए ये वाइड गेंद फिर से एक बार, मैं कहता हूं ना कि सेहत के लिए जिस तरीके से धूम्रपान करना ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, क्रिकेट में गेंदबाजी में वाइड गेंद करना ये भी गेंदबाज के लिए हानिकारक होता है। और इसी एक रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 23-23 रन। ओ इस बीच देखिए शुभम यादव ने ऑन साइड की दिशा में खेला, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, विकेट जाता हुआ शुभम यादव का पहला विकेट, पहला झटका अयान 11 मानगांव को। थैंक यू डीजे, कहते चलो इस ग्राउंड को खूबसूरती के साथ आयोजकों ने जो बनाया है, तो कहते चलो ये ग्राउंड के जो मालक है अल्ताफ दादा, ये अल्ताफ दादा धन से ये भी हमारे बीच आए हुए हैं, इन्होंने भी इनामत की राशि लगाई है, 3 सिक्सर पर 1000 रुपए का इनाम। देखिए 6 सिक्सर पर 10000 रुपए का इनाम इस ओवर की देखी जाए तो, एक गेंद आना बाकी है, पूरे मैच की बात की जाइए, जिस तरीके से आप देख सकते हो स्ट्राइक पर, देखिए वन डाउन के रूप में कुणाल जो नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर आदिल है, सादिक गेंदबाजी पर है राउंड द विकेट। ओ इस बार देखिए ये गेंद को जाने दिया, पता है कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, वाइड की वजह से रनों में इजाफा, स्कोर हो चुका है 24 रन। धीमा धीमा स्कोर नहीं बल्कि तेजी के साथ बढ़ने की कदर पर है, खूबसूरत अंदाज में जिस तरीके से इस टूर्नामेंट का आयोजन नियोजन जिस तरीके से रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे। ओ इस बीच देखिए ये एक रन पूरा किया है और इसी एक रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन 25। और जिस तरीके से ये 25 रन हो चुके हैं, दो ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, पहली ओवर में जिस तरीके से रुझदान मुझे कहते हुए कि 15 रन आए थे और दूसरी ओवर में 10 रन आए और एक विकेट भी हासिल किया गया, यानी जो दूसरा ओवर लेकर सादिक आए थे ये टीम के लिए काफी हद तक कारगर साबित हुए, फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि उन्होंने शुभम यादव जैसे बल्लेबाज को शांत किया है। लेकिन उन्हें पता है निजामपुर वालों को कि एक बड़ा खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर टिका हुआ है और भरोसे के मान इन भरोसे पर जमने वाला टिकने वाला आखिर तक ये बल्लेबाज कलाकार भी है, अदाकार भी है और खूबसूरत भी है, अपने अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं, देखना होगा क्या करते हैं इस मुकाबले के अंदर। टाइम पास मत कीजिए जरा फास्ट के लिए, पहला सेमीफाइनल 3 ओवर का मैच। देखिए आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज ओमकार, स्ट्राइक पर आदिल, नॉन स्ट्राइक पर कुणाल। कुणाल ये वो बल्लेबाज है जिसने वडोली के ग्राउंड पर जिस तरीके से कोपरा ग्रुप के उस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, इस बार ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर ये पहली गेंद फेस करते हुए नजर आए आदिल, जहां पर डॉट बॉल गुडलेन स्पॉट पर गेंद गिरी थी, गेंद तेजी के साथ स्किट होती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई, बैट्समैन को चकमा देती हुई। साथ ही साथ हमारे बीच आए हुए मेहमान बशीर किरकिरे, ये आए हुए इन्होंने भी इनाम लगाया है, हैट्रिक सिक्स पर 1000 रुपए का इनाम,
छह विकेट पर 10,000 रुपए का इनाम, क्या बात है। ये मैच देखिए कितना बड़ा हो चुका है। ओ इस बार देखिए हवाई सफर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और विकेट का पतन, क्या बात है। थैंक यू डीजे सर, कहते चलूं ये टूर्नामेंट का मकसद था सभी को एक जगह पर जमा करना, छोटे बच्चों से लेकर जिस तरीके से आप देख सकते हो जवान भी है बूढ़े लोग भी है, मैच का मजा ले रहे हैं और हर कास्ट के हर धर्म को एक जगह पर जमा करना ये रैपिडो इवेंट का मकसद था और ये मकसद पूरा होता हुआ इन आयोजकों के इस टूर्नामेंट के मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, तालियां बजनी चाहिए इस मुकाबले के अंदर जिस तरीके का वातावरण पेश किया इन आयोजकों ने, तालियां बजेगी, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ होगा। लेकिन ले चलते मुकाबले की तरफ जहां पर आप देख सकते हो दो बड़े विकेट जाने के बाद अब मानगांव की टीम थोड़ी सी शांत हो चुकी है, एक तरफ खुशी की लहर तो दूसरी तरफ शमशान घाट की तरह सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन वो सन्नाटा बिल्कुल खुशी में तब्दील हो सकता है। इस बीच फिर से एक बार ओमकार गेंदबाजी पर ओवर द विकेट, वो इस बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला अलोंग द कार्पेट शॉट, देख सकते हो आप जिस तरीके से लॉन्ग लेग के क्षेत्र के खिलाड़ी ये जो रन दौड़े थे दो रन पूरे हो चुके हैं और इन्हीं दो रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 27 रन 27। अली 11 और मसला दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश करता हूं टॉस के लिए आ जाइए। ओहो इस बार देखिए कुणाल के बल्ले से निकलता हुआ खराब गेंद और उतनी बेहतरीन अंदाज में नसीहत दी है षटकार की मदद से। थैंक यू रुझदान, मुझे कहते हुए कि इस ओवर के गेंदे हो चुके चार, टीम का स्कोर हो चुका है 33। अब दो गेंदों का खेल बचा हुआ है, देखना होगा इस मुकाबले के अंदर फिर से एक बार ओमकार के बड़े हिट आ पाते या नहीं। सेमीफाइनल वाला मैच है और सेमीफाइनल वाले मैच के अंदर देख सकते हो पहली इनिंग जारी है, ओमकार फिर से एक बार गेंदबाजी पर। एक बात कहना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट के तालुक से, ये वाली जो मैच है ना ये काफी हद तक बड़ी मैच है, मौका सबको दिया जाएगा, देखना होगा इस मौके का फायदा कौन उठाता है। इसी बीच फिर से एक बार ओमकार गेंदबाजी पर, वो इस बीच देखिए ये गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए चौकार। थैंक यू, 5 गेंदों का खेल हो चुका है इस ओवर का, टीम का स्कोर हो चुका है 37 अली 11। आ जाइए मसला की टीम के कैप्टन आ चुके हैं इरशाद धायरेकर, अली 11 टीम के कैप्टन आ जाओ प्लीज। और अल्ताफ दादा के हाथों मैच का टॉस उड़ाया जाएगा सेकंड सेमीफाइनल का, इस इनिंग की इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है और इस ओवर के इस इनिंग के गेंद के बाद जरूर जी बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन बॉक्स है वहां से हट जाओ दर्शक, देखिए वहां पर ही टॉस होगा सेकंड सेमीफाइनल का टॉस उड़ाया जाएगा। ओ कैच देखिए, थैंक यू डीजे दोस्तों, इस कैच के लिए तालियां नहीं बजेगी क्या?
जबरदस्त कैच पकड़ा है जिस तरीके से, एक बात कहना चाहता हूँ, मौका सबको मिलता है यासीन सर, क्योंकि जब तालाब का पानी सूख जाता है ना तब चींटियां मछलियों को खाती है, और जब तालाब का पानी बढ़ जाता है ना तब मछलियां चींटियों को खाती है। यानी मेहनत सबको, किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौंका देती है। अब देखना होगा दूसरी इनिंग के साथ यासीन सर जुड़ेंगे, लेकिन अब पीछा करना है, 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत। मुझे वो गदर फिल्म का गाना याद आ रहा है, मैं निकला गड्डी लेके, जी हाँ मैं निकला बल्ला लेके उस 22 यार्ड के गेड़ में। एक बोल आया कि मैं मैच को इस तरीके से छोड़ा है कि मुझे हारना नहीं है, जीतना है। अब देखना होगा कौस्तुभ सर क्या होगा इस मुकाबले का, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। और व्यूवर्स कितने जुड़े हैं कौस्तुभ सर? देखिए ये सेमीफाइनल वाली मैच के लिए दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के जरिए 2000 दर्शक जुड़े हुए हैं, क्या बात है, बहुत खूब। जिस तरीके से बिल्कुल, ये भी मैच, इसके बाद भी एक बड़ा मैच होगा। अब मैं सेकेंड इनिंग के लिए जरूर दावत दूंगा यहाँ पर सेमीफाइनल नंबर 1 के, यानी 38 रनों का पीछा करना है। मैं यहाँ से रजा लेता हूँ और अब आएंगे यासीन सर, तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। अली 11 संघाचे कर्णधार, मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यावं, आणि 4 दिवस आपण माझा आवाज ऐकलात, माझं समालोचन सुद्धा ऐकलात, यानंतर सुद्धा मी करणारच आहे समालोचन, आपल्या सर्वांच्या सेवेमध्ये नक्कीच आम्ही इथे उपलब्ध आहोत। त्याचप्रमाणे आज इमाद मोडक यांनी सुद्धा आम्हाला इथे सहकार्य केलं, परंतु आणखी एक परंतु या माणगाव गावामध्ये प्रथमच एक नवीन आवाज मी इंट्रोड्यूस करतोय, अर्थात आशुतोष पाटील यांचा आवाज आपण यानंतर ऐकणार आहात, तर वेलकम आशुतोष। हेलो, अली 11 के कप्तान, टॉस बॉक्स हो गया, अली 11 आखिरी कॉल है आपको, अली 11 आखिरी कॉल है, पेनल्टी मिल सकती है, अली 11 मसला टॉस विन, मसला टॉस विन, फैसला वहां ही सुना है, फैसला वहां ही सुना है। धन्यवाद यासीन सर, आपण धन्यवाद यासीन सर, आपण पाहतोय रॅपिड इव्हेंट्स पुरस्कृत मायरा इरेवन मोया मोरबा आयोजित क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय, एक सुरेख असं आयोजन आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, आणि चालू असलेला सामना आपण पाहतोय निजामपूर विरुद्ध माणगाव या दोन संघा दरम्यान चढत आपण पाहतोय या मैदानावर, सेमीफायनलची पहिली लढत आपण पाहतोय, एक अप्रतिम दर्जाची कामगिरी आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज शुभम जाधव, अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपण पाहतोय, टप्पा पाडल्यानंतर थेट यशरक्षकच्या हातामध्ये जातोय, यशरक्षक तिथे कोणतीही चूक करत नाही आहे, एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज शुभम जाधवच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। बॅक टू बॅक आपण पाहिलं तर दुसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय, अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज शुभमच्या माध्यमातून। समीर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागेल, कारण का संघासाठी आपण पाहिलं तर 38 धावा करायच्या आहेत, 3 षटकांचा सामना आपण पाहतोय, एक सुरेख असं मैदान आपण पाहतोय। षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा पाहतोय, यावेळी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, कट केलाय आणि नक्कीच आपण पाहिलं तर चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी।
थैंक यू डीसे। पहिला मोठा धक्का आपण पाहतोय फलंदाज समीरच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय आणि याच्याकडे सुद्धा येईन मी। हे जे प्रेक्षक बाउंड्री लाईनच्या आत आलेत, आपका आना मुबारक हो, प्लीज जरा पीछे हो जाओ। अब मैच का मजा लीजिए, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन बाउंड्री लाइन के पीछे हो जाओ खिलाड़ियों को प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर टू सर। षटकातील पुढील चेंडू गोलंदाज शुभम याचा पुन्हा गण पाहतो, या अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी मैदानामध्ये पाहायला मिळते, परंतु पंचांचा इशारा चेंडू आपण पाहिलं तर ऍज पर रूल नंबर 22 इट्स अ वाईट डिलिव्हरी, आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 चा नक्कीच इथे अवलंब केला जाईल आणि अवंतर स्वरूपाने आपण पाहिलं तर धाव फलकावर एक धाव नक्कीच येते। या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर निजामपूर संघाची धावसंख्या 5 धावा धाव फलकावर येत आहेत। षटक क्रमांक आपण पाहिले तर पहिले चालू आहे आणि पहिल्या षटकाचा विचार केला तर कुठेतरी आपण पाहिले तर पॉवर प्लेचं षटक नक्कीच पाहायला मिळते या स्पर्धेच्या माध्यमातून, आणि या पॉवर प्लेच्या षटकाचा विचार केला तर नक्कीच ते एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल। ते अर्थात समीर आणि सागर याला चांगले फलंदाज आपण पाहतो, 38 धावांचा पाठलाग करत असताना इथे एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवायची आहे। रॅट अमोर द विकेट, चांगला फटका आपण पाहतो, एक गॅप शोधून काढले, नक्की चेंडू चाइल वन बाउन्सी मारेशा बाहेर 4 धावांसाठी। थँक यू डीसे, चांगला फटका आपण पाहतोय, पूर्णपणे आपण पाहिले तर पॉवर प्लेच्या षटकाचा पुरेपूर फायदा घेताना दिसतोय फलंदाज समीर। या 4 धावीनंतर आपण पाहिले तर संघाची धावसंख्या आगेकूच करेल, एकूण संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 9 धावा धाव फलकावर येत आहेत। षटक क्रमांक आपण पाहिले तर पहिलं चालू आहे आणि अजूनही विचार केला तर 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे पहिल्या षटकातील, त्यामुळे आपण विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाज शुभम जाधव याला। चांगला फटका आपण पाहतोय, पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय, नक्कीच क्षेत्रक्षेत त्यांना दिसतोय, जोपर्यंत नक्की चेंडूवर येतोय क्षेत्रक्षेत तोपर्यंत 2 धावा तर नक्कीच पूर्ण होत आहेत। या 2 धावीनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ते अर्थात 11 धावा धाव फलकावर येत आहेत। एक चांगली रणबीर विकेट मैदानावर पाहायला मिळते ते अर्थात समीर आणि सागरच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची कामगिरी आपण पाहतोय या 2 फलंदांच्या माध्यमातून। आतापर्यंत विचार केला तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची धावसंख्या रचण्यात यश आले निजामपूर संघाला। 1 टू गो षटकातील शेवटचा चेंडू, अप्रतिम दर्जाची एक गोलंदाजी आपण पाहतोय, क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं तर नक्कीच त्यांना दिसतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय, एक धाव तर नक्कीच येते या चेंडूवर, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धाव देखील पूर्ण होत आहेत। सूर्य एक रन मिळून विकेट मैदानावर पाहायला मिळते। हॅलो सर, मी तुम्हाला एक प्रश्न नक्कीच विचारेन, आप देख सकते हो जिस तरीके से अल्ताफ दादा स्टेडियम पर जो दर्शकों की भरमार है, आपको कैसा फील हो रहा है ये दर्शक जिस तरीके से आए हुए हैं? नक्की आपण पाहिले तर एक अप्रतिम दर्जाची रसिक प्रेक्षकांना मेजवानी नक्कीच या मैदानावर पाहायला मिळाले। कुठेतरी ये जो दर्शक है ना, जिस तरीके से नायक पिक्चर का डायलॉग है ना कि टर्को में भर भर कर चिकन मटन खिलाकर पैसे देकर बुलाई गई पब्लिक नहीं है, इन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार तो भी क्रिकेट खेला ही होगा, इसीलिए क्रिकेट से प्रेम करने वाले दर्शक आए हुए। यस यस राईट, चांगलं आयोजन आपण पाहतोय, रॅपिड इव्हेंट्स पुरस्कृत ही स्पर्धा आपण पाहतोय, dreamscape.in च्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते। विनंती असेल की मानगाव संघ आपण त्वरित सामन्याला सुरुवात करायची आहे, टीम मीटिंग घ्यायची नाही आहे, एक षटकाचा इथे खेळ समाप्त झालाय। एका षटकानंतर आपण पाहिलं तर निजामपूर संघाची धावसंख्या बिनबाद 13 धावा धावफलकावर येत आहेत। येणारे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 25 धावांची गरज असेल, ती अर्थात निजामपूर संघाला भुग्या 12 चेंडूंचा इथे खेळ येणं बाकी आहे या सामन्यामध्ये, त्यामुळे आपण विचार केला तर नक्कीच एक कुठेतरी चांगल्या प्रकारची कामगिरी करून दाखवावी लागेल। नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय मानगाव संघाच्या माध्यमातून, वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षट घेऊन सूरज येतोय। सूरज खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर 2 फलंदाज एक चांगले फलंदाज आहेत, त्यामुळे एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी त्याला नक्कीच करून दाखवावी लागेल। सूरज साठी एक सुवर्ण संधी आहे, नक्कीच हॅट्रिक घेतली विकेटची तर इथे 2000 रुपयाचा पारितोषिक देव सुर्वे यांच्या माध्यमातून आणि मंगू जाधव यांच्याकडून सुद्धा 2000 रुपयाचा पारितोषिक। पहिला चेंडू आपण पाहतो थर्ड मॅनच्या दिशेने, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी। सुरेख फटका,
थैंक यू डीजे। पहिल्या चेंडूवर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक श्री गणेश ओपन केलाय, तो अर्थात फलंदाज सागर याने एक चांगला फटका आपण पाहतोय। फलंदाज सागरच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय आणि या चार धावेच्या मदतीने आपण पाहिलं तर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचते, ती अर्थात 17 धावा धावफलकावर येत आहेत। लगातार तीन षटकांवर आपण पाहिलं तर 5000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे देव सुर्वे आणि मंगू जाधव यांच्या माध्यमातून। याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची, दोन्ही फलंदाजांनी नोंद घ्यायची आहे। सागर आणि समीर आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि या सामन्याच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळाले। पूर्णपणे आपण पाहिलं तरी ते कमबॅक करावं लागेल गोलंदाजाला। पुन्हा एकदा पाहतोय अकुट पदा चेंडू आहे आणि यावेळी मात्र आपण पाहिलं तर नक्की चेंडू जातो पुन्हा एकदा सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी। थँक यू डीसे। पूर्णपणे आपण पाहिलं तर बॅक टू बॅक दुसरा चेंडूवर चौकार पाहायला मिळतोय सागरच्या बॅट मधून। गोलंदाज सूरजचा आपण पाहिलं तर पूर्णपणे खरपूर समाचार घेतलाय। सूरजवर पूर्णपणे आपण पाहिलं तर हल्ला बोल चढवलाय आणि आता या सिच्युएशन मध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच सूरजवर पूर्णपणे थोडस दबाव असणार, थोडस दडपण असणार, त्यामुळे आपण पाहिलं तर इथे अचूक टप्प्याची गोलंदाजी त्याला करावी लागेल। नक्कीच आपण पाहिलं तर क्रिकेट आहे मित्रांनो, क्रिकेट कधी रंग बदलेल हे सांगू शकत नाही आहे, त्याच पद्धतीची त्याला गोलंदाजी करावी लागेल। या षटकामध्ये संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 21 धावा धावफलकावर आल्यात। षटकातील पुढील चेंडू रॅटमोर द विकेट, पुन्हा एकदा पाहतोय कट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु यावेळी चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाही आहे। अचूक टप्पा गोलंदाजी आपण पाहतोय। गोलंदाज सूरजच्या माध्यमातून एक चांगलं कमबॅक गोलंदाजी पाहायला मिळते, ती अर्थात गोलंदाज सूरजच्या माध्यमातून निर्धाव चुंची नक्कीच सांगता होते। संघाची धावसंख्या ते स्थिरवेल ती अर्थात 21 पर्यंत, 21 रन्स ऑन बोर्ड, 21 धावा धावफलकावर येत आहेत। षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर दुसरं चालू आहे आणि दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। बघूया 3 चेंडूंमध्ये इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते गोलंदाज सूरजच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय सरळ बॅटने खेळलेला चेंडू कार्पेटच्या सेंटून ट्रॅव्हल होतोय स्वतःच्या फॉल थ्रू मध्ये। आपण पाहिलं तर चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव नक्कीच येते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता परंतु एकाच धावसंख्येवर समाधान मानावं लागेल ते अर्थात निजामपूर संघाला। आणि या एका धावीनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती अर्थात 22 धावा धावफलकावर येत आहेत। कुठेतरी आपण पाहिलं तर नक्कीच एक चांगलं कमबॅक पाहायला मिळालं गोलंदाज सूरजच्या माध्यमातून। उर्वरित आपण पाहिलं तर या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। बघूया उर्वरित 2 चेंडूंचा इथे खेळ कसा असणार। सूर्यकसं मैदान आपण पाहतोय, 360 डिग्रीचं मैदान आपण पाहतोय, क्रिकेटला साजेसं असं मैदान आपण पाहतोय। आणि या मैदानावर आपण पाहिलं तर लगातार 4 दिवस या ही स्पर्धा रंगते, चांगलं असं आयोजन आपण पाहतोय रॅपिडो इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। षटकातील पुढील चेंडू चांगला फटका आपण पाहतोय, क्षेत्ररक्षक त्यांना दिसतोय, लॉंग ऑनच्या दिशेने आपण पाहतोय परंतु आपण पाहिलं तर नक्कीच कुठेतरी गोलंदाजाचे थोडीशी मिस्टेक होते, चेंडू नक्कीच गॅदर करता आला नाहीये गोलंदाज सूरजला। आणि 2 धावा तर नक्कीच इथे यशस्वीरित्या पूर्ण करतोय निजामपूर संघ। या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 24 धावा धावफलकावर आल्यात। शेवटचा एक चेंडू येणे शिल्लक आहे या षटकातील। बघूया शेवटच्या चेंडू मध्ये इथे कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळेल गोलंदाज सूरजच्या माध्यमातून। आतापर्यंत विचार केला तर नक्कीच गोलंदाजाने 11 धावा खर्च केल्यात। शेवटच्या चेंडूवर बघूया कशा प्रकारची कामगिरी पाहायला मिळते। 38 धावांचा पाठलाग करत असताना खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर माणगाव संघाच्या माध्यमातून याने आशुतोष सर 14 रनोकी जरूरत आहे, 7 गेंदेवर 14 रनोकी जरूरत आहे। राईट, मोठा फटका आपण पाहतोय सूर्य एक फटका आणि यावेळी मात्र चेंडू जातोय सीमा पार, षटकार। थैंक यू डीजे। आशुतोष सर एक क्वेश्चन है और साथ ही साथ क्वेश्चन से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर दर्शक न जाने मैच का मजा भी ले रहे, दोनों टीम सेमीफाइनल का मैच खेल रहे। एक बात कहना चाहता हूँ भैया, अपनी कीमत उतनी जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे, अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे। खेल का हो या ताश का, खेल जिंदगी का हो या ताश का, अपना सिक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले।
सिंधु का खेल बचा हुआ, 8 रनों की जरूरत है, इतिहास कायम करना है, ट्रॉफियों के करीब जाना है, तो अभी करना है, इसी वक्त करना है। नक्कीच आपण पाहिलं तर नक्कीच येणारे 6 चेंडू आहेत आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 8 धावायची गरज आहे, ते अर्थात निजामपूर संघाला। नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय, ऋषभ येतोय वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक आशीष षटक घेऊन। चलो एक खेमे में खुशी है, खुशी की लहर देखिए, बिल्कुल शायद उन्हें लग रहा है कि शाम बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्रिकेट है, बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यस, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मौलाना की भी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, दिल धक धुक 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 धक धुक 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 होते हुए नजर आ रहा है, 1 मिनट में 72 दफा दिल धड़कता आप देखना होगा। अल्तम मौलाना, राइट राइट, बिल्कुल सामने कड़े लक्ष्य वेधून करूया। आपण पाहतोय येणारे 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 8 धावेची गरज आहे, कोण जिंकणारा सामना आपण पाहतोय। टाइमपास करायचा नाहीये मित्रांनो, विनंती असेल की माणगाव संघ आपण थोडी क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे, जास्त वेळ दळायचा नाहीये। षटकातील पहिला चेंडू आपण पाहतोय गोलंदाज ऋषभ याचा, पहिला चेंडू आपण पाहतोय, हे देखिए एक बहुत बड़ा मौका था, कॅच छूटा है, क्या कहना चाहोगे आशुतोष सर? कैच जीतो मैच जीतो, ऐसा चित्र नहीं है लेकिन दिखाता हुआ विकेट कीपर से नक्कीच अपन पाहिलं तर थोड़ीसी चूक होते, कैच नक्कीच इथे होयला पाहिजे होती, कारण का अपन पाहिलं तर नक्कीच इथे खऱ्या अर्थाने अपन पाहिलं तर पूर्णपणे जर या सामन्यामध्ये जर मजबूत पकड़ करायची असेल तर हा नक्कीच झेल महत्त्वपूर्ण होता, झेल मात्र सोडला जातोय। एक धाव नक्कीच येते, एका धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धाव संख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 31 रन्स ऑन बोर्ड, याने 7 धावा धावफल करतायत, 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आपण पाहिलं तर 7 धावेची गरज आहे। विनंती असेल की माणगाव संघ कृपया वेळ दळायचा नाहीये, आपण थोडी क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे, अजूनही आपण पाहिले तर नक्कीच 2 सामने खेळवायचे आहेत। देखिए पाटील सर, हर गेंद पर कश्मकश है, लतपत अग्निपत क्या हो रहा है बीच मैदान के अंदर, देख सकते हो आप हर तरफ दर्शक ही दर्शक है, मैंने कहा ना ये दर्शक क्रिकेट के भूखे हैं, क्रिकेट के प्यासे हैं, रातों को जाग जाग कर यूट्यूब के जरिए अपनी नींद को हराम करके मैच का आनंद लेते हैं, क्रिकेट का प्रेम है, और आयोजित की भी मोरबा के इस आयोजित आयोजकों की मेहनत खूबसूरत अंदाज में रंग लाती भी बहुत खूब। नक्कीच सागर ने जर इथे षटकार लावला तर नक्कीच देव सुर्वे यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेला आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। येणारे 5 चेंडू जिंकण्यासाठी 7 धावेची गरज, कोण जिंकणारा सामना? ऑन स्ट्राइक आपण पाहतोय समीर पहाड मिळतोय, षटकातील फील्ड चेंडू, चांगला चेंडू आपण पाहतोय, कार्पेटच्या सांचून ट्रॅव्हल होतोय क्षेत्राच्या जोपर्यंत चेंडूवर तोपर्यंत आपण पाहिलं तर नक्कीच 2 धावा पूर्ण होत आहेत, चांगली रन मिळते, विकेट मैदानावर पाहायला मिळते ती अर्थात सागर आणि समीरच्या माध्यमातून, आणि या 2 धावेनंतर आपण पाहिलं तर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती अर्थात 33 धावा धावफल करत आहेत, चांगल्या प्रकारची नक्कीच कामगिरी पाहायला मिळते ती अर्थात गोलंदाज ऋषभच्या माध्यमातून, याने 4 गेंदीवर 5 रन की जरूरत आहे। यस, येणारे 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावीची गरज, रॅट मोर द विकेट, फुल टॉस मध्ये चेंडू आणि ते मात्र आपण पाहतो विजय स्ट्रोक, चेंडू जाईल सीमा पार, षटकार, क्या बात है, इतिहास को कायम किया निजामपुर की टीम ने, फाइनल में प्रवेश किया। थैंक यू डीजे, इथे मात्र आपण पाहिलं तर नक्कीच निजामपूर संघ विजय होतो, विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन, आणि या सामन्याचा सामनावीराचा पुरस्कार जातोय तो अर्थात नो डाऊट समीर, अप्रतिम दर्जाची इनिंग आपण पाहिलं तर त्याच्या बॅट मधून तब्बल 2 चौकार आणि 1 षटकार नक्कीच पाहायला मिळाला, 2 षटकार आणि 2 चौकार, अप्रतिम दर्जाची कामगिरी आपण पाहतोय, 28 धावांची नाबाद इनिंग आणि ती देखील आपण पाहतोय विजय इनिंग आपण पाहतोय। नक्कीच समीर आपण त्वरित यायचं आहे आपलं पॅन्डॉल पाशी पारितोषिक कलेक्ट करण्यासाठी, तर यानंतर होणारा सामना आपण पाहतोय अली 11 विरुद्ध मसळा, या 2 दरम्यान संघांदरम्यानची लढत नक्कीच मैदानावर पाहायला मिळणार आहे।
थैंक यू डीजे सामना अली इलेवन विरुद्ध मोरबा इंडियंस अव्वेस इलेवन या दोन संघ दरमियान चढ़त अपन पहतो एक चांगल्या प्रकारचा सामना नक्कीच मैदानावर पाहायला मिळणार आहे। जोपर्यंत सामन्याला सुरुवात होईल या सामन्याचं धावतं समोरच्या नायकांसाठी घेऊन जातोय माझे साथी समालोचक यासीन मर्चंट यांस करे धन्यवाद। ओवर टू यासीन सर। अय्याज मुल्ला यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे याव। हॅलो, जिस तरीके से इस टूर्नामेंट के तालुक से कहना चाहता हूँ यासीन सर जो मान्यवर आए हुए हैं उनके तालुक से कुछ शेरी अंदाज में कुछ कहना चाहता हूँ। अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, अफसोस ये है कि शर्तें हवाओं से लगा रखी है। न जाने किस गली से आए हमारे मेहमान, इसीलिए हमने हर गली फूलों से सजा रखी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अल्ताफ दादा स्टेडियम पर जिस तरीके से आयोजकों की मेहनत और दर्शकों की भरमार, क्या बात है। यानंतर आपण समालोचन ऐकणार आहात अर्थात इमाद यांचं। मी विनंती करतो इमाद यांना की आपण समालोचन कक्षामध्ये यावं।